आदाब नमस्कार, मैं अकरम खान, द न्यूज गेट में आपका स्वागत है। बुक मार्केट, संडे बुक मार्केट, दिल्ली गेट महिला हाट में पहुंचा हूं और यहां पर आपको सब चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन में, शिक्षा में इन्वॉल्व हैं। वो सारा मटेरियल आपको यहां पर मिलेगा। मेडिकल मिलेगी, इंजीनियरिंग मिलेगी, यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस की तैयारी करते हैं वो सारा मटेरियल यहां पर मिलेगा आपको। इसके अलावा एजुकेशन में जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स होनी चाहिए और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बुक हैं वो सब आपको मिलेंगी और बहुत नॉमिनल पे मिलेंगी। कुछ के नए प्रिंट होते हैं, बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है और कुछ सेकंड हैंड होती हैं जिनके ऊपर आप मात्र किलो के हिसाब से भी ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस बार क्या खास है, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि बहुत दिन हो गए किए हुए। हमने कहा चलिए इस बार संडे किताबों के नाम होगा, आपके और हमारे नाम होगा। आइए देखते हैं किताबें क्या कह रही हैं। बरसात का वक्त है, इतनी तिरपाल लगी हुई है तो इतनी झुक के ही सब जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी की आपको सेकंड हैंड बुक तक बहुत अच्छे से सब आपको इधर मिल जाएंगी, जो भी चाहिए वो सब मिलेंगी। इनके जो नंबर्स हैं वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी की है। कितने तक की दे देते हो आप ये किताब? ये 40 रुपये की सर। और वैसे कितनी इस पर लिखी हुई? ये 95 की कीमत की, 85-75 ये कीमत आ रही है इसकी। उसके बावजूद भी 40 की दोगे यार? आधे में सर होता है। अच्छा, आधे में रहता है यहाँ पर। अच्छा, और ये सब कौन कौन सी रखते हो आप किताबें? एनसीईआरटी की रखते हो सारी? 11, 12, 9, 10 सब। ठीक है, कार्ड निकाल लो, अपना कार्ड दिखा दो, बता दो। अच्छा, और जो भी नंबर बता दो अपना, जो अगर हो तो मंगा लेगा। 9560368792। एनसीईआरटी में करते हो, किस किस में करते हो? ऑल किसी में भी। चलिए ठीक है, सभी में डील करते हैं। चलिए आगे आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ पर जो नोटबुक्स हैं, जो रफ नोटबुक्स हैं वो आपको इधर मिलेगी। मतलब होती तो खैर बिल्कुल नहीं है और तैयारी के लिए बहुत अच्छी है। देखिए पूरे सब बकायदे तरीके से सब ये बनाए हुए हैं। कितने कितने की है? 100 में 3 है। आइए आइए, 100 में 3। अच्छा देखिए, 100 में 3। देखिए देखिए देखिए, पेपर पहले मैं देखूँ। हाँ यस, पेपर बढ़िया है साहब, बहुत अच्छे हैं। रफ के लिए, अपने मैथ के क्वेश्चन नोट करने के लिए, अपनी डायरी रखने के लिए, और बाइंडिंग भी सही है एकदम। 100 के 3 में क्या बुरी है? यानी कि ये देखिए, ये आपको पैकेट मिलेगा, ये रहा बंच, ये रहा पूरा बंच, ये 100 रुपये के 3। 200 का तो 100 का 3 वाला कौन सा बताया? ये वाला, ये स्पाइरल। अच्छा, ये नहीं बता रहे हो 100 में 3। अब आदमी इस पर हाथ रख के तो ये 3 नहीं था, अब ये तो 200 में है। अब देखिए साहब, ये 200 की है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। पहले सारा समझिए बात को कि कितने की है, उसके बाद फिर चीज़ों को आगे डिफाइन कीजिए। अच्छा आगे बताएं, ये ब्लू बताएं, ये आपको 70 की पड़ेगी। 70 रुपीज़। वो एक एक प्राइस बताओ, बिल्कुल फाइनल प्राइस जो। ठीक है, अच्छा, और ये बताते जाइए। 120 120 की है। देखिए 120 रुपये की है। दिल्ली एनसीआर के आसपास जो लोग रहते हैं वो तो आ सकते हैं आराम से, लेकिन जो लोग बाहर के हैं उनके लिए मैं नंबर आपको देता हूँ। अच्छा, और रजिस्टर का बंच? 400 रुपये। 400 का 10 पीस का। 400 रुपये का 10 पीस का। ठीक है, अब देखिए बाकी और चीज़ें सब तो खैर डिटेल तो नहीं है। हाँ, ये आप स्पायरल आ गया इधर, ये ज़रा अलग पैटर्न है, आप इसके बारे में भी बता दो। ये क्या? वो 100 रुपये का है, 120 का है, अलग अलग रेट है। कितने पेजेस का है ये? 500 पेजेस भी हैं, 600 भी हैं, 450 भी हैं। ये कितने पेज का है? ये 500 पेज का है। 500 पेजेस का देख लीजिए, ये इसकी जो हाइट देख लीजिए और इसकी जो क्वालिटी है वो देख लीजिए। अच्छा, इसका क्या दाम है? 100 रुपये का है। ये थोड़ा सा रफ है, वैसे ही नज़र आ रहा है, उसकी पेपर क्वालिटी थोड़ी सी अलग है, तो इसकी बताइए। अच्छा, कार्ड दिखा दीजिए, जो कांटेक्ट करना होगा कर लेगा, जिसको मंगवाना हो मंगवा लेगा। अच्छा, और वो वाले कैनवास वाले? वो 120 का है वो। कितने पेपर है उसमें कैनवास पे? अच्छा, ये बड़े 120 रुपये का। नंबर बता दीजिए अपना, ताकि जो लोग बात करना चाहें वो कर लें। नंबर मालूम बताओ जरा इनका। 9213-2481-8686। नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ। ये मोहम्मद आरिफ है, इनका नंबर बता दिया। अब जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी वो सब मैं दिखाता जाऊंगा। फिक्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, फिक्शन है, रेफरेंसेस हैं, और इसके अलावा फिक्शन का तो एक बड़ा ज़खीरा यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए जितने में मिलेगा वो सब मैं पूछ लेता हूँ। कितने पर डिस्काउंट है या 50 पर है पूरा? 100 रुपये फ्लैट। 100 रुपये का फ्लैट रेट है। 100 रुपये का है, कोई भी ले लो सारा। हाँ, सारा फिक्शन है, बहुत क्लियर बता दिया एकदम। देखिए सब अपने आप की सबकी स्पेशलिटी है, फिक्शन की अलग है, नोटबुक जो है वो अलग है, हाँ जो रफ है वो अलग है, एनसीईआरटी और इंजीनियरिंग की और या मेडिकल की तैयारी करने वाले सब चीज़ें अलग हैं। आपको सब चीज़ें मतलब 100 रुपीज़, ये वाले नहीं है 100। इसका क्या दाम है? 200 से लेकर 50 तक है। अच्छा, 200 से लेकर मतलब 50 रुपये से 200 रुपये तक,
50 रुपीज से 200 रुपए तक का है भाई साहब, मैं थोड़ी सी उल्टी नाक पगड़ी घुमा के अच्छा आपके आपके क्या दाम है सर जी? अशोक जैन। नहीं नहीं आपका दाम पूछ रहा हूँ मैं। 100 रुपये। 100 रुपये। 100 रुपये। सर क्या रिस्पॉन्स है 100 रुपये में? सही रेट है इसके। अच्छा हेलो सर। अच्छा इसकी क्वालिटी अच्छी है पेपर की, और ये 60 रुपये में दे रहा है। बाजार में आपको आज जाएंगे तो 100 से कम नहीं मिलेगा ये। बात ठीक है आपने। देखिए और भी सब चीज़ें ये देखिए। अच्छा ये सर। अच्छा और मतलब इजली हैंडल है कह सकते हैं आप इसे। अच्छा ये कितने का? 60 रुपये का। कितने पेज हैं इसमें? 300। 300 पेज का 60 रुपये में। क्वालिटी अच्छी है, प्लेन पेज है, सब सही है। देखिए सर ने इसको ओके कर दिया और सब दिखा दिखा कर सारी बात कर दी। अब चलिए अब चलो 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 मूवमेंट करता जाऊँ मैं। अब भीड़ अच्छा खासी मिलेगी खूब आपको। देखिए माहौल वाहौल खूब सब बना होता है। अब लोग क्योंकि ये टाइम है सबके पढ़ने का और रहने का, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो आते हैं यहाँ पर, और देखिए NCERT और इन सब की जो बुक्स हैं वो सब आपको इधर मिल जाएंगी। अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग स्टाइल से आपको मिलेंगी। अच्छा क्या क्या रखते हो आप? ये बुकें रखते हैं हर तरह की। नहीं बुक तो रखते हो हर तरह की। किसकी कॉम्पिटिशन की रखते हो? NCERT रखते हो? क्या रखते हो? हैं सभी होती है। अच्छा कॉम्पिटिशन वाली जो बुक है इनका मैंने अभी तक नहीं दिखाया, वो देख लीजिए बच्चों का फिक्शन है। बाकी इधर जो है जो आपको मिलेंगे जो पेपर्स वगैरह ये सब इस तरीके के आपको इधर मिल जाएंगे सारी चीज़ें। मतलब क्या क्या लॉ बुक्स एंट्रेंस बुक सबको मिल जाएगी बच्चों की। नंबर बताइए ताकि कॉन्टेक्ट करना चाहें आपसे दो कर ले। 9125744। देव बुक्स। अच्छा लाइए मैं ज़रा एक बार इधर दिखा दूँ मैं और जो जो चीज़ें इधर हैं इनकी हैं। हाँ ये बात देखिए। हाँ आप देखिए सब कुछ सामने इधर आपको नज़र आ जाएगा जो इनकी डिटेल है, चाहे वो कंप्यूटर हो कॉम्पिटिशन हो, सब चीज़ें सामने यहाँ पर टॉप टू डे बॉटम सब चीज़ें आपको नज़र आएंगे। ये इतने एक निगाह लगवा रहा हूँ ताकि जो भी देखने वाले समझने वाले, मैंने इनका नंबर बता दिया है, इन्होंने स्क्रीन पर बोल दिया है, आप इनको देख सकते हो। अब जो स्क्रीन पर सब आ रही हैं चीज़ें आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें आपको इधर मिलती हैं। चलिए अच्छा 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 लॉ की भी हैं। लॉ की भी ये आ गई भाई, ये आ गई। हाँ ये बात ये सब आ गई। ठीक है चलो अब क्योंकि आइए मैं अब आगे चलूँ। इधर देखो फिक्शन विक्शन सब आपको सही इधर मिल जाएगा। ये बात इंडियन इकोनॉमी क्यों दोस्त कितने पर आगे रखते हो किताबें? क्या भैया कौन कौन सी किताबें रखते हो? भैया मेडिकल इंजीनियरिंग फार्मेसी UPSC ये सारे रखते हैं हम सब। तो अब ये बताओ कि अगर कोई स्पेशल मंगवाना चाहे डिलीवरी करवाना चाहे तो क्या करवा पाओगे? हाँ हाँ करवा देंगे भैया। क्या नंबर बताओ जो से लेके? 9999518595। ठीक है अब जरा अपनी बुक्स के बारे में बताइए कि रेफरेंस रखते हो सारी NCERT या कुछ भी? नहीं NCERT भी होता है, IAS की सारी किताब होता है यहाँ पे, बाकी जो है मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किताब जो होता है ऑफिस में होता है गुड़ान पे। यहाँ इतने माल ला के लगा नहीं सकते हम सब। चलो कोई बात नहीं, पता लग जाता है कि ये सब चीज़। बिल्कुल 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 मतलब UPSC प्रिपरेशन का मेडिकल सारा है आपके पास यहाँ पे है, जो अभी डिमांड में होता है वो किताब लाते हैं हम सब। मेडिकल के टाइम में मेडिकल लाते हैं, इंजीनियरिंग के टाइम में इंजीनियरिंग लाते हैं। UPSC प्रिपरेशन हाँ ये डिपेंड करता है कि आपकी जो टाइमिंग है, मतलब अगले 2-3-4 महीनों में कौन से कॉम्पिटिशन आने वाले हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है करंट के ऊपर, जैसे JEE है या नीट है, ये सब चीज़ों के रहते ही हैं। आइए और चलूँ मैं आपके आगे दिखाता हुआ चलूँ, क्योंकि फ्लो में आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। ये एक फ्लो है और थोड़ा पानी वानी ज़रा जमा हुआ है आजकल, ज़रा बारिश का अंदेशा ज़्यादा है और बारिश भी अब ज़रा दिल्ली में खूब भरपूर और दिल से होने लगी है। आओ इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर चले। ओहो पानी होगा लेकिन खैर कोई बात नहीं, लाइए मैं ट्राई करता हूँ ले जाने की आपको ये चीज़ें। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो सारे फिक्शन ही हैं, फिक्शन ही फिक्शन है। कितने क्या फ्लैट रेट है, कितने का है? 500 कितना? सबका अलग अलग रेट। हाँ सबका अलग होगा, 500 का तो हो ही नहीं सकता। अलग अलग रेट है, 150-200 इसी करके। अच्छा 150-200 हैं सारे के सारे जितने में, वो सब फिक्शन है, इंग्लिश फिक्शन हिंदी फिक्शन। तो अब ये बताओ ये किससे कहानी के अलावा कुछ और भी रखते हो किताबें? नहीं सारा मिक्स है, कबाड़ी माल है, जो भी मिल जाए आपको। अच्छा, नहीं नहीं ये कबाड़ी तो आपके लिए है भाई, ये पढ़ने वाले के लिए तो किताबें हैं ये। हाँ नॉलेज है। क्या रिस्पॉन्स है मैडम यहाँ से,
जो संडे मार्केट है इधर का? अच्छा, सब काफ़ी वैरायटी है एंड वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम इन अ वेरी रीजनेबल रेट। जेब के लिए सही रहता है यहाँ पर? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, कंपटीशन या किसी और को जितने बेचारों के पास पैसे नहीं है वो यहाँ से सब कुछ लिया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, मतलब यहाँ मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर आईएलटीएस जीआरई सबकी बुक्स हैं। क्या कर रही हैं आप? मैं फिलहाल एमबीए। अच्छा, एमबीए तो वो सब मिल गया? नहीं, मैं फिक्शन के लिए आए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है जिसका जो कोर्स कर रहा है वो सिर्फ उसी लिए आए, कुछ अपने पर्सनल स्टडी इंटरेस्ट भी होते हैं जिस पर अलग अलग लोग चीजें लेते हैं। एक मैडम का भी रिस्पॉन्स लेता हूँ। मैडम, क्या रिस्पॉन्स है आपका, आपने क्या ले लिया? फिक्शन काफी नजर आ रहा है। एक्चुअली आई हैव हर्ड अबाउट दिस मार्केट अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो आज मेरा तो वेरी फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, तो इट्स गुड। फर्स्ट टाइम चेरी खुशी बता रही है कि फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा ही रहा है। एक्चुअली इतना अच्छा जॉनर है ना, लाइक यू कैन गेट एवरीथिंग हियर, फ्रॉम लिटरेचर पोएट्री टू हिस्टोरिक, सब कुछ है। मतलब वन शुड विजिट, अगर दिल्ली में हो तो यहाँ तो आना चाहिए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि पर्सनालिटी मेकअप के ऊपर काफी कुछ है आपके पास। नहीं, मेकअप के ऊपर कुछ नहीं, पर्सनालिटी मेकअप पे बहुत कुछ है। लाइक आई हैव व्हाट दिस बुक, आई एम टेकिंग दिस बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, इट्स रियली अ गुड बुक। ये सब चीजें अगर किसी एक में चलना हो, ये सब रीडिंग है, इन सब चीजों की, तो जरा बात जरा हल्की सी रहती है, बनती नहीं है बात। फिक्शन इधर सारा था, अब मैं दूसरे सेक्शन में चलता हूँ, उधर देखूँ उधर क्या क्या चीजें आपको इधर मिलेंगी। आइए उधर अंदर चलता हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए जरा, बच्चों के लिए भी आपको इधर इधर से मिलेंगे। ये बच्चों के कितने की हैं? 10 रुपये में है। 10 रुपये? देखो भाई, 10 रुपये की, बच्चों की कुछ भी ले लो यहाँ पर आके, बच्चों के इंग्लिश हिंदी अपने स्केचिंग राइटिंग वर्कबुक, जो छोटी छोटी आपको मार्केट में आपके घर के किताब जो एक बुक शॉप होती है वहाँ पर आप जाओगे तो अच्छा खासी कॉस्टली पड़ जाएगी, ये सारी 10 रुपये की हैं। हाँ, मेरी दुकान की वो सेल 10 रुपये की है यहाँ पर जो भी है। हाँ भाई साहब की एकदम 10 रुपये, बहुत ठस्से से बोला है। बाकी तो भैया जितने की बेच रहे हो 20-25-50-100, उसकी भी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरी जो है सेल है, मैं तो 10 ही बेचूंगा बस बस। चलो भाई साहब ने मार्केटिंग कर ली है, वो देखिए सामने कितनी अच्छी लग रही है वर्कशॉप की। तो ये बच्चों के लिए सही रहता है, एक बार यूज़ करें, फेंकें, हाँ उसको रब अप कर लें, फिर उसके बाद फिर आगे चले जाए। देखिए मज़ा तो आपको तभी आएगा जब आप यहाँ पर आएंगे, और ये सब चीज़ें आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे। और इनके क्या दाम है ये तो बताइए। अच्छा, ये दूसरे, ये चचा इनके नहीं है, ये वाले हैं। और इनके क्या रखे हुए हैं, इनके ये वाले जो हैं? हाँ, और इनके क्या रखे हुए हैं? अरे नहीं, बस उसमें अच्छा 25-25 रुपए की सारी है, बस जो चाहो उठा के लेके जाओ। 25 रुपए की? 25 रुपए की बस। अरे सीटेड भी? अरे सब कुछ लेके जाओ भाई, सब कुछ। बस बहुत बढ़िया भाई साहब का दाम 2500 होगा शायद। 25 नहीं है, सीटेड क्या उम्मीद करते हो आपके 25 रुपए की आपको मिल पाएगी? सीटर की कॉम्पिटिशन देखिए, सब भाई साहब कह रहे हैं कि एकदम खुला खुला कुछ भी आके ले लो 25 रुपए का। ये पूरा मटेरियल इन्होंने बता दिया। देखिए ये पेटीएम नंबर किसका है, आप ही का है सामने? अच्छा, वो वाला खैर अलग है। ये नीचे वाले भाई साहब थे, उनकी 10 रुपीज़ थी, ये वाले की 25 रुपीज़ है। क्यों सर, क्या क्या ले लिया बच्चों के लिए? अभी तो मैंने एक ही लिया है, बट यूजुअली आई इज टू कम एवरी मंथ। कहाँ से आना हुआ? मैं तो दिल्ली से ही आ रहा हूँ। अच्छा, बच्चों के लिए? जी। अच्छा, सही मिल जाती है? बहुत बहुत अच्छा है, बुक्स है, हर वैरायटी के बुक्स मिल जाते हैं यहाँ पे, आपको दूसरी दुकानों में भी नहीं मिलेगी, बट हियर यू कैन गेट ऑल वैरायटीज ऑफ बुक्स। यहाँ पर आपको चीप एंड बहुत सही मिल जाता है जो मिल जाए। चलिए, थैंक यू। चले आगे देखें, कुछ इससे हटकर एक अलग किस्म का एक माहौल, क्योंकि पूरा इधर बना रहता है, सब है प्लास्टिक व्लास्टिक है, तो इसलिए आज जरा सर झुका के ही आपको इसमें जाना होगा। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर NCERT का मटेरियल, NCERT का मटेरियल इधर ज़्यादा है। NCERT की रखते हैं बुक्स सारी, कुछ और भी हैं? ऑल बुक्स अवेलेबल। अच्छा, ऑल बुक्स अवेलेबल। चलिए मैं इनसे बात कर लेता हूँ, इनके नंबर भी मैं ले लूँगा ताकि आपको आसानी रहे और आप इजीली इनसे कांटेक्ट कर पाए। हाँ, अब बताइए किस किस किस्म की किताबें रखते हैं? सभी रखते हैं जनाब, 6 to 12 NCERT, स्कूल कॉलेज मेडिकल टेक्निकल सभी तरह की बुक्स होती हैं। एक निगाह अगर मारेंगे आप तो आपको शायद खुद अंदाज़ा हो जाएगा जो वैरायटी है वो आपके सामने। इनके नंबर भी मैं दे दूंगा आपको, हाँ नंबर भी मैं दे दूंगा, ताकि अगर लोग ये फ़ोन कर आपसे कहें कि साहब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो क्या आप डिलीवर करवा सकते हैं उनको पूरे इंडिया में? यस। चलिए, ऑनलाइन काम करते हैं हम, और संडे बुक बाज़ार से रिलेटेड जो भी हमें मांगता है किताब हम पहुँचाते हैं बाई पोस्ट। देखिए, सिर्फ दिल्ली के ही देखने वाले हमारे लोग नहीं हैं, ऑल ओवर इंडिया देखते हैं, तो इसलिए मैं उन लोगों की सुविधा के लिए नंबर दे देता हूँ ताकि आप लोग कॉन्टैक्ट कर पाएँ। सामने नंबर लिखा हुआ है, नंबर आ गया होगा,
आप चाहें तो उनसे बात कर लीजिएगा, मेरा काम ख़त्म हो जाता है, मेरा काम सिर्फ आप तक पहुँचाना चीज़ों को होता, सब चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। चलिए अब अच्छा हाँ ये तो बताइए, क्या डिस्काउंट देंगे, कितना कम रेट रहेगा, पुरानी रेट पर क्या रहेगा, नए पे क्या रहेगा? एक्चुअली मोस्टली हाफ रेट में बिकती हैं बुक्स यहाँ। अच्छा। लेकिन यहाँ बार्गेनिंग करते हैं तो इसलिए कम भी हो जाती है। कुछ ऐसे पुअर स्टूडेंट हैं यूपीएससी की जैसे तैयारी करते हैं तो वह चीप के चक्कर में आते हैं। अच्छा। कि सस्ता काम हो जाए, 6-12 NCERT चाहिए उन्हें, या अदर्स जो रेफरेंस बुक होती हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, बट मिल जाती है, हाफ रेट में मिल जाती है। सर सही बात कही उन्होंने, 50% रेट के ऊपर आपको चीज़ें यहाँ पर और मिल जाएंगे, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। क्या करते हो आप? स्कूल। अच्छा, तो डर क्यों गए? तो क्या लेने आए आप? किताब। किताब? अच्छा, कुछ और तो लेने नहीं आए? हथौड़ा, छेनी, ये सब तो लेने नहीं आए ना, किताब ही आए। अच्छा, इधर आओ, इधर बेटे, खुल कर बोलो, डरो नहीं। अच्छा, क्या कर रहे हो आप? स्कूल में। स्टूडेंट में? कौन से स्कूल में? सेंट जॉन। सब चीज़ें मिल रही हैं आपको इधर? बाहर से कितनी सस्ती मिलती हैं? अभी तो खरीदी नहीं। अभी खरीदी है? आपके साथ हैं? हाँ, मेरे साथ हैं, मेरा भाई है। अच्छा, आपके छोटे भाई। आप क्या कर रही हैं? मैं तो कॉलेज में हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ अर्बन प्लानिंग। मुझे लगता है आप भी लेकर आई हैं। हाँ, मैं इनकी किताबें लेने के लिए आई हूँ। NCERT बड़े बड़े होते हैं तो छोटे अपने आप उनको लेकर आते हैं। क्या फ़र्क है बाहर इधर और हर चीज़ मिल रही है यहाँ पर? हाफ रेट में किताबें और यहाँ पे मतलब और भी मतलब अलग अलग तरीके की सप्लीमेंट्री बुक्स भी मिल जाती है कोर्स के लिए, तो वो बेनिफिट है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए और देखिए, देखिए फिक्शन की भीड़ देखिए, फिक्शन की भीड़ देखिए। हाँ, ये सब आपको इधर देखने के लिए मिलेगी। कितने कितने की है? कितने कितने की है सर? भैया 100 वाले भी, 50 वाले भी हैं। 50 और 100, इन भाई साहब का रेट है 50 और 100 फिक्शन। तो हमारे पास 50 रुपये की है। ये बताओ, अगर आप ही से ऑनलाइन मंगवाई जाए तो क्या 200 रुपये की दोगे आप? हाँ, ऑनलाइन में 200 की आती है, आप कहीं भी ट्राई कर लेना। करो यार, नहीं आती है, लेकिन आप कितने की भिजवा देंगे अगर भिजवाए तो? हम तो 50 के बेचते हैं, सिर्फ दरियान में मिलती है, बुक्स मार्केट है मेला। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, अब आगे चलो, देखो दूसरे आगे चले इधर। याद देखिए, ये भी NCERT वाले हैं जिनको मैं दिखा चुका हूँ पहले, अब आगे चलूँ। और एक फ्लो है, एक ट्रैवलॉग की तरह ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और दिखाता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ। थोड़ा पानी है इसलिए जिग जैक हो रहा है सेल। देखिए आगे से आपको दिखेगा, ये 50 रुपीज़, 50 रुपये में कुछ भी ले लें। ये देखिए साहब, ये देखिए 50 रुपये में कुछ भी ले लें। अब आप देख लीजिए वो जो कुछ भी है वो क्या है। उस कुछ भी में फिक्शन है, इसके अलावा रेफरेंसेस हैं और अच्छे कुछ एक राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से उनको ले सकते हैं। ये बात, हाँ ये देखिए सब आपको इधर नज़र आ जाएंगे सारी, ये सारा मटेरियल जितना भी है सब 50 रुपीज़ का है, ऑल आर 50 रुपीज़। हाँ चलो और इधर ये घूमे, ये बात, ये देखिए, यू शुड जस्ट गो राइट देयर, देयर इज अ ओल्ड गाय राइट देयर सिटिंग ओवर देयर एंड ही इज सेलिंग सम बुक्स बाय रिचर्ड फेमिन एंड इफ यू चेक दैट थिंग ऑनलाइन इट्स जस्ट कॉस्ट अबाउट 15,000 रुपीज़, या एंड ही इज सेलिंग दैट थिंग फॉर 1,000 रुपीज़। I'm really excited to buy that. I'm just really not buying it just because okay. I want that thing in 500. Because okay. You can get the paperback edition for low cross, but it's a very unique edition right there. You should check it out. Which right one? Which one? Thank you. देखिए अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सारी बातें सब बातें बता दी हैं उन्होंने। अब और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इधर बताता हूँ। इधर ये देखिए प्लास्टिक में जो है इधर, हाँ बरसात है तो इस वजह से ये सब चीज़ें आपको इधर सामने इधर आएंगी। देखिए मैं इनका भी देने की कोशिश करता हूँ। मैं स्कूल्स की है NCERT की या और भी बुक्स रखते हो आप? इंजीनियरिंग, मेडिकल, स्कूल नॉवल सब मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। हाँ जी। अच्छा, कितने दाम पर रहेगा सर? 50% है, 50% कम में भी है। अच्छा, ये तो सेलिंग वाला रेट है यहाँ पर, लेकिन अगर कोई मंगवाए आपको ऑल ओवर इंडिया पे कहीं बाहर? हमारा भी 50 है, हमारा जो स्टॉक है ऑल ओवर इंडिया जाता है। अच्छा, आप अपना नंबर बताइए, नंबर कहीं डिस्प्ले नहीं, अपना कार्ड दिखाइए। चलिए अपना नंबर बोल दीजिए, 8178606888 मेरा नंबर है। अच्छा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम केशव है। ठीक है, यही आपका ठिया है, यही पॉइंट है आपका सर? यही है, बाकी हम उत्तम नगर हमारी शॉप है। ठीक है, नंबर इनका आ गया, अगर यहाँ पर आना हो तो फ़ोन करके जगह पूछ लीजिएगा यहाँ पर, वरना आप कॉन्टैक्ट करना चाहें, मंगवाना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करता हूँ मैं कि जो लोग नहीं आ पाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर आ पाएँ। ये देखिए नीट, मेडिकल का, सब इंजीनियरिंग और बाकी साइंस के, NCERT, ये सब जितनी चीज़ें हैं आपको 50% के ऊपर मिल जाएंगी। मतलब भाई साहब ने तो 2500 रुपये तक में देनी है, तो कमाल ही हो गया आप मना पे।
अभी आ गई। अब मेरे ख्याल से काफ़ी ये प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको इधर पसंद आया होगा। और अक्सर लोगों की डिमांड रहती है कि मैं रेगुलर करूँ, तो रेगुलर चीज़ें अमूमन हर हफ्ते वही सब रहती हैं, काफ़ी वक्त के बाद चीज़ें बदलती हैं। तो उन बदले हुए वक्त में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें क्या क्या नई आई हैं। शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को मालूम हो पाए कि यहाँ पर क्या मिलता है, क्या ख़जाना मिलता है, और उस ख़जाने का पूरा ये लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही, आदाब, नमस्कार।